नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिक्वेंशियल सर्किट के अगले लेसन में। यहाँ हम बात करेंगे कि सिक्वेंशियल सर्किट एक्चुअली होता क्या है और कॉम्बिनेशनल सर्किट से कैसे अलग है। ओके, सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। मेरा नाम वैभव है और मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। आप मेरे कोर्सेज को रिट्रीव एंड रिकमेंड जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी इंजीनियरिंग करिकुलम को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी अच्छे अच्छे कोर्स सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट का बेसिक लेसन, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल सर्किट्स। ओके, ये लेसन नंबर 2 है हमारा। लास्ट लेसन में हमने कवर कर लिया था कि मल्टीवाइब्रेटर्स क्या होते हैं, और मल्टीवाइब्रेटर्स एक फंडामेंटल यूनिट है। किसकी फंडामेंटल यूनिट है? इसकी फंडामेंटल यूनिट बनाने की फंडामेंटल यूनिट है वो, एक तरीके से, ठीक है। इसकी फंडामेंटल यूनिट फ्लिप फ्लॉप है और फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हमें मल्टीवाइब्रेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इस लेसन में हम बात करेंगे कि सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, और इसमें हम टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट भी देखेंगे कौन कौन से हम होते हैं। तो जैसे बात आती है इसकी सिक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन की एक तरीके से, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता था? कॉम्बिनेशनल सर्किट अपना होता था कि जो उसका आउटपुट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता था। उसका कोई पास्ट आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं था, या पास्ट इनपुट से कोई रिलेशन नहीं था। ओके, लेकिन अनलाइक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट चेंज स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल सिग्नल्स बीइंग अप्लाइड टू देयर इनपुट्स एट द टाइम, सिक्वेंशियल सर्किट्स हैव सम फॉर्म ऑफ इनहेरेंट मेमोरी बिल्ट इन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पास्ट इनपुट उसने अप्लाई किया था या पास्ट आउटपुट जो उसमें जनरेट हुआ है, सो सिक्वेंशियल सर्किट में एक मेमोरी नाम की चीज है, ठीक है। और वो मेमोरी कहाँ से बनाई थी हमने? मल्टीवाइब्रेटर से बनाई थी, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से बनाई थी। ओके, सो वो मेमोरी नाम की जो चीज है वो उस चीज को स्टोर कर लेती है, फाइन। सो जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट और पास्ट स्टेट ऑफ इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, तो सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में एक फीडबैक लगा होता है, या उसमें यूं कह लीजिए आप एक स्टोरेज एलिमेंट लगा होता है, जबकि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सेट ऑफ इनपुट्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, फाइन। अब बात करें कि इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आर एबल टू टेक इनटू अकाउंट देयर प्रीवियस स्टेट इनपुट स्टेट एज वेल एज दोज एक्चुअली प्रेजेंट, अ सॉर्ट ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट इज इन्वॉल्व विद सिक्वेंशियल सर्किट्स। मेमोरी एलिमेंट लगाया है तो इसका मतलब कि पास्ट जो इनपुट्स रहे होंगे या प्रीवियस इनपुट स्टेट जो रही होगी वो भी दैट इज ऑल्सो टेकन इन अकाउंट विद द एक्चुअल प्रेजेंट इनपुट। ओके, सो मतलब कि जो मेमोरी एलिमेंट है वो सबसे मेन चीज है एक सिक्वेंशियल सर्किट की, वही जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट से अलग करती है सिक्वेंशियल सर्किट को। So that the output depends on present state as well as previous input state. In other words, the output states of a sequential logic circuit is a function of the following three states. एक तो present input, past input and past output. तीनों चीज पर depend करती है, ठीक है, कि present input क्या दिया आपने, past input क्या दिया था, या past output क्या generate हुआ, वो भी store हुआ होगा उसके मेमोरी एलिमेंट में। सो जो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे किसकी, सिक्वेंशियल सर्किट की, तो उसमें ये तीन टर्म्स आएंगी उसके बुलियन एक्सप्रेशन के फंक्शन में। सो दे रिमेंबर दीज सिक्वेंशियल सर्किट्स रिमेंबर दीज कंडीशंस एंड स्टे फिक्स्ड इन देयर करंट स्टेट अंटिल द नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल चेंजेस वन ऑफ द स्टेट्स गिविंग सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये जो सिक्वेंशियल सर्किट्स है ना, ये पहली बात तो क्लॉक सिग्नल से चलते हैं, जबकि जो हमारे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे उनमें क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, ठीक है। सो क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो उसमें जैसे इनपुट दिया आउटपुट जनरेट हो गया,
लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट्स में ऐसा नहीं होता। सिक्वेंशियल सर्किट में जब क्लॉक मिलती है तभी आउटपुट चेंज होता है। अब आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब मेमोरी चाहिए, वही मेमोरी वाली बात फिर आ गई। और मेमोरी जो है हम प्रोवाइड करते हैं बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से। अब बात करते हैं इसकी। सो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आर जनरली टर्म्ड एज टू स्टेट। अब हमारे बाइनरी नंबर, हम सारा नंबर तो बाइनरी नंबर्स का ही है सारा खेल, ओके। सो दो स्टेट हो गई, मतलब एक तरीके से जीरो और वन। इसका मतलब कि सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को बाईस्टेबल डिवाइसेस भी कहा जाता है, विच कैन हैव देयर आउटपुट और आउटपुट सेट इन वन ऑफ द टू बेसिक स्टेट्स, लॉजिक जीरो और लॉजिक वन, ओके। सो मतलब कि वो जो उसकी दोनों स्टेट स्टेबल होंगी वन या जीरो, क्योंकि वो स्टोर करके रख रहा है उसको, इसीलिए वो स्टेबल है। सो मतलब कि एक जो बाईस्टेबल डिवाइस होगा वो लैच हो गया है, विल रिमेन लैच्ड इनडेफिनेटली इन दिस करंट स्टेट और कंडीशन अंटिल सम एक्सटर्नल इनपुट इज अप्लाइड, ओके। लैच करना मतलब कि वहां पे फिक्स हो गया, लैच्ड हो गया है, या तो जीरो पे फिक्स हो गया या वन पे फिक्स हो गया। इसीलिए इनमें हम जो स्टोरेज एलिमेंट यूज करते हैं, स्टोरेज डिवाइस, उसको लैच बोलते हैं, या हम देखेंगे कि इसको फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, ठीक है। जब तक हम एक्सटर्नल ट्रिगर पर सप्लाई नहीं करेंगे इट विल रिमेन इन दैट स्टेट, ओके। जो एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करेंगे, ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे, उसी से जो है बाईस्टेबल जो डिवाइस है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी वंस अगेन। अब जैसे बात करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता था, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट सिंपल होता था, इनपुट होते थे आउटपुट होते थे। लेकिन अगर आपको सिक्वेंशियल सर्किट बनाना है तो कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ अगर हम एक मेमोरी एलिमेंट लगा दें तो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। और ये जो सिक्वेंशियल सर्किट है ना, इसमें जो ये मेमोरी एलिमेंट है इस पे क्लॉक दी जाती है, ओके। मेमोरी एलिमेंट हमारा क्या है, फ्लिप फ्लॉप या लैच, और मेमोरी एलिमेंट बना किससे है, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से। सो ये चीज बहुत जरूरी है, यही जो है हमारा फीडबैक प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रख रही है जिसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेट जनरेट करने में, फाइन। अब बात करें कि ये सिक्वेंशियल टर्म आया कहाँ से, ओके। सिक्वेंशियल हम बोल क्यों रहे हैं, सिक्वेंशियल हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा जो आउटपुट जो सिक्वेंस जनरेट हो रहा है ना, जो आउटपुट में जो सिक्वेंस जनरेट हो रहा है वो क्लॉक के हिसाब से जनरेट हो रहा है। जैसी क्लॉक आएगी उस हिसाब से आउटपुट सिक्वेंस जनरेट होगा, और आउटपुट सिक्वेंस जो जनरेट होने वाला है वो हमें पता है, ठीक है। यू नहीं है कि आपने क्लॉक दी तो कुछ भी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। आप क्लॉक देंगे तो आपको पता होगा कि अगला नंबर क्या जनरेट होने वाला है, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऐसा नहीं होता था। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप कुछ भी इनपुट दो आउटपुट आ जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप जब भी क्लॉक देंगे तो आपको पता होगा कि आउटपुट में क्या जनरेट होने वाला है। सो दैट्स वाई यू नो वट इज द सिक्वेंस ऑफ दीज सर्किट्स, ओके। वेन एवर क्लॉक इज अप्लाइड सो यू नो वट द सिक्वेंस इज गोना, इट इज गोना फॉलो, ओके। दैट्स वाई दे आर नोन एज सिक्वेंशियल सर्किट्स। अब बात करें कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स, तो जैसे काउंटर्स होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर, या बेसिकली देखें तो एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर होते हैं हमारे, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोरेज रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, ओके। सो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। धन्यवाद ये लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मुझे इस लिंक पर जरूर फॉलो करें ताकि जैसे ही अगला लेसन आए आपको पता चल सके। और रेट, रिव्यू एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद।